नमस्कार, मैं सरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस केसों के मामले में देश में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां अब तक 22,000 से अधिक संक्रमित मिल चुके हैं। राज्य में 832 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,199 मरीज ठीक हुए हैं। केवल मुंबई में 12,000 से अधिक मरीज हैं। ठाणे और पुणे में भी केसों की संख्या अधिक है। ठाणे मनपा में 9 प्रभाग समिति आता है। पूरे 9 प्रभाग समिति में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है लोकमान्य नगर की। 11/5/2020 के आंकड़े हैं, 178 केस हैं। और दूसरे नंबर पर वागले प्रभाग समिति की है। 11/5/2020 के आंकड़े हैं वागले की, 132 केसेस अब तक कोरोना पेशेंट जो है वो मिले हैं वहाँ पर। और तीसरे नंबर पर है मुंब्रा प्रभाग समिति। मुंब्रा प्रभाग समिति में 11/5/2020 के आंकड़े हैं 106, कल तक 103 थी आंकड़े, यानी 103 केस कोरोना के पेशेंट मिले थे और आज 3 और केस सामने आए हैं। मुंब्रा कौसा में हम आपको बता दें, पिछले 3-4 दिन से मुंब्रा कौसा में कोरोना पेशेंट ज़्यादा मिलने से सनसनी मची हुई है और जिसकी वजह से आंकड़े भी बढ़ गए हैं। हम आपको बता दें, कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कौन से एरिया में मिले हैं, तो हम उनको बता दें, मुंब्रा शहर में कौसा से लगकर रसीद कंपाउंड मिलेनियम इलाका आता है, जहां पर पिछले 3-4 दिन से 27 केसेस मिले हैं जो रसीद कंपाउंड इलाके का है ये, और सेंसिटिव बना हुआ है रसीद कंपाउंड। 27 केस रसीद कंपाउंड से मिलने के बाद टीएमसी के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी, धनंजय गोसावी, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पीआई कन्हैया थोराट पूरे रसीद कंपाउंड में दौरा किया है। आज जगह जगह पर ब्रैकेट लगा दिया है और ताकि कोई ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। आज पूरी तरह से रसीद कंपाउंड, कौसा के कुछ हिस्से और चरनीपाड़ा, बॉस्को स्कूल, इसी तरह से कई हिस्सों में जो है ब्रैकेट कर दिया गया है, यानी ब्रैकेटिंग वाल जो है वो लगा दिया है। रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। मुंब्रा कौसा में सबसे ज़्यादा रसीद कंपाउंड का इलाका सेंसिटिव है, रेड जोन में है, क्योंकि उसी इलाके में 27 केस आए हैं सामने। इसके पहले आपको याद होगा, पहले अमृत नगर इलाके में पहले पेशेंट मिला था, उसके बाद एक के बाद एक केसेस सामने आए थे। ऐसे 14 से 15 केसेस सामने आए थे जिसकी वजह से रेड जोन में पूरा इलाका था, यानी अमृत नगर इलाका, उसके आसपास के जो बिल्डिंगें थे सब रेड जोन में थे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं मनीष जोशी और जो है उस इलाके के जो नगर सेवक हैं रेहान पित्तल वाला, उन्होंने क्या कहा है, आप पहले सुनिए। आज पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि मुंब्रा प्रभाग समिति में उसके पहले जो केसेस कंट्रोल में थे, अचानक लास्ट 2 दिन से केसेस बहुत बढ़ गए। ऑलमोस्ट 28 केसेस, फ्रेशली केसेस ऐड हो गए और मुंब्रा प्रभाग समिति जो और प्रभाग समिति की तुलना में जहां केसेस बहुत कम थे, आज मुंब्रा प्रभाग समिति टॉप में चली गई है। अब ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत चिंता की बात है। इस मामले में हमारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन, हमारे सहायक आयुक्त मुंब्रा, हमारे गोसावी साहब और मेरी, हम सबकी एक बैठक हुई, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा केसेस होने का प्रमाण ये रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, चरनीपाड़ा और अंबेडकर नगर, ये इन सब एरिया में हो रहा है। तो इसीलिए ये डिसाइड हुआ है कि आगे के जो 7 दिन हैं, मतलब 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक, ये एरिया में पूरा टोटल लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग अपने घरों से नहीं नीचे उतरेंगे, इस एरिया में ना कोई आएगा ना इस एरिया से कोई जाएगा। हमने पूरे इस इलाके के जो रोड साइड के जो ओपनिंग्स हैं उन्हें बैरिकेडिंग की है, जितनी गलियां हैं उन्हें बैरिकेडिंग कर रहे हैं हम, जिन बिल्डिंगों में गेट है उनको लॉक कर रहे हैं और जिन बिल्डिंगों में गेट नहीं है उन्हें हम बैरिकेडिंग कर रहे हैं। एक खास बात मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इस एरिया के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं रेहन भाई और राजू अंसारी, उनका हमें पूरा सहकार्य मिल रहा है और ये पूरा जो हमने एक बड़े चैलेंज ली है उसके लिए मुंब्रा के जो सीनियर हैं थोराट साहब, उनका हमें पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसीलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये आगे के जो 7 दिन हैं, अगर नागरिकों ने हमें सहकार्य दिया
और प्रेस के माध्यम से जो हमें हर समय सपोर्ट मिल रहा है, आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहा, तो आगे के 7 दिनों में इंशाल्लाह इस एरिया में, जैसे कि अमृत नगर में पहले 14 केसेस आए थे और उसके बाद एक भी केस अभी तक आया नहीं है, वैसे ही हम गर्व से कह सकेंगे कि रशीद कंपाउंड और ये जो इलाका है यहाँ एक भी केसेस नहीं आएंगे। तो पेट्रोल पंप है यहाँ से लेके देवरी पाड़ा तक के कुछ अनुमान 25 पॉजिटिव केसेस मिले थे और ये केसेस ऑन द राइज थे, इसके हिसाब से एहतियातन ये कदम उठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके थ्रू कौन पॉजिटिव है, कोई सिम्टोमेटिक है, कोई असिम्टोमेटिक पेशेंट है, किसको है किसको नहीं है, इसके लिए एक लोगों को बैरियर में रखने के लिए, लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए ये मुहिम TMC के थ्रू चलाई गई है कि जितना लोग अपने घरों से नहीं उतरेंगे, जितना लोग अपने घरों में रहेंगे, ये इन्फेक्शन का, ये कंटीजियस डिजीज का चांस उतना फैलने का कम हो जाएगा। तो ये कोशिश है, एक इनिशिएटिव है TMC द्वारा लिया हुआ, हमारे मनीष जोशी साहब, हमारे गोसावी साहब, इनके थ्रू लिया हुआ, कम से कम लोग घर से बाहर निकले और कम से कम ये रोग फैल पाए। तो आपने सुना मनीष जोशी ने क्या कहा, आज रशीद कंपाउंड के हर रास्ते को बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि कोरोना संक्रमण ज्यादा न फैले, अमृत नगर की तरह एक मिसाल बने। जैसे अमृत नगर को कंट्रोल किया गया, ठीक वैसे ही रशीद कंपाउंड को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ तक जो है पूरे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रैकेट लगा दिया गया है जगह जगह पर जो है, और पूरी तैयारी जो है कर दी गई है कि कोई भी शख्स जो रशीद कंपाउंड का है, जो उसमें उस इलाके में आसपास जो रह रहे हैं, वो एक दूसरे बिल्डिंगों में ना जा सके, इस तरह की ब्रैकेटिंग जो है किया गया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।